एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड आई एम पीयूष। तो एक और बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ आपके लिए आ चुकी है, जिसमें कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ से एक नोटिस, जो एक सर्कुलर है, वो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया हुआ था कि वहाँ पर एक्चुअली क्या बात हो रही थी कि बैन कर दिया जाएगा आपकी जितनी भी यूनियन मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से वैकेंसीज आती हैं उनकी क्रिएशन ऑफ पोस्ट पर, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ पोस्ट पर बैन लगा दिया गया था। तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दी गई थी, लेकिन यहाँ पर अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बवाल पकड़ लेती हैं, है ना। तो मैंने आपको उस वीडियो में ही बोला था कि आप जल्दी, और मैंने टेलीग्राम पर भी बोला था कि आप चीज़ों को ना जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दोगे ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक बनता है। तो देखो यहाँ पर अब क्लैरिफिकेशन आता है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रिक्रूटमेंट थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक SSC, UPSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB जो आपके हैं, विल कंटिन्यू एज यूजल विदाउट एनी कब, यानी कि आपकी जितने भी रिक्रूटमेंट है उनमें कोई भी अब कटौती नहीं की जाएगी, आपके एज यूजल ये रिक्रूटमेंट होते रहेंगे। आपका थ्रेड वन है, अब हम थ्रेड टू की तरफ चलते हैं। जो इनका ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, उसका जो थर्ड नंबर टू है उसको देख लेते हैं। तो यह है यहाँ पर आपका थर्ड नंबर टू, यहाँ पर क्या बोला है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्कुलर डेटेड 4 सितंबर 2020 डील्स विद इंटरनल प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड डज नॉट एनी वे अफेक्ट और कर्टेल रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई जो उसमें आपकी क्रिएशन ऑफ पोस्ट को लेकर प्रोसीजर था वो डील करता है एक इंटरनल प्रोसीजर से, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है जो आपका रिक्रूटमेंट में कटौती की जाएगी, ठीक है। तो बस बात यह है कि आपने सही टाइम पर यहाँ पर हमने जो है चीज़ को उठा दिया, तो आपके लिए जो क्लैरिफिकेशंस वगैरह हैं वो सारे के सारे आ गए हैं, और अभी आपका रेलवे की डेट भी अनाउंस हो गई है। तो यही सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जागरूक रहोगे और अपने आप में ना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहिए, ठीक है, और डेकोरम बना के रखिए। जो भी आपको अपनी बात रखनी है उसका डेकोरम बना करके आप अपनी बात को रखें, तो उसके सोल्यूशंस मिलते हैं। जब आप सारे के सारे लोग एक साथ आओगे तो उसके सोल्यूशंस जरूर मिलते हैं, ठीक है। खैर, यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।